नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से पूरी छूट मिल चुकी है कि वो पीएम केयर फंड्स में जो पैसे आए हैं उसका जो चाहें करें, जिसको चाहें दें, जिसको चाहें ना दें। आपको बता दें कि कोविड-19 यानी कोरोना की जब महामारी देश में शुरू हुई तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड्स बनाया और उसमें अरबों रुपए आए, करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर आए। बड़े बड़े बिजनेसमैन ने 100-100 करोड़, 25-25 करोड़ रुपए दान दिए, इसलिए कि वो पैसा देश की जनता के लिए खर्च किया जाए। मगर जैसे ही पीएम केयर फंड्स बना, तभी से ये आवाज़ उठने लगी कि क्या ये पैसा सही जगह खर्च होगा। लोगों का ये आवाज़ उठाना भी सही था, क्योंकि इस पैसे की कोई जांच नहीं कर सकता, ये पैसा कहां खर्च किया जा रहा है उसके बारे में कोई पूछ नहीं सकता। इस पैसे का जो ऑडिट होता है वो ऑडिट भी सरकारी संस्था नहीं करेगी। इसका ऑडिट बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो एक प्राइवेट संस्था को दिया है, एक प्राइवेट ऑडिटर को आप कह सकते हैं कि दिया है। ये पैसे कहाँ जाएंगे इस पे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। अभी 2-3 दिन पहले ये खबर भी आई थी कि आरटीआई के तहत कोई इसकी जानकारी लेना चाहता था कि ये पैसे कितने आए, कहाँ से आए, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है पीएमओ, उसने मना कर दिया ये जानकारी देने से। यानी ये पैसे कहाँ खर्च होंगे कुछ पता नहीं। अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि जैसे ही ये आपदा को, जैसे ही ये पीएम केयर फंड बना, वैसे ही लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये पैसा एमएलए एमपी को ख़रीदने में खर्च होगा, ये पैसा चुनाव लड़ने के खर्च में होगा, ये पैसा संघ को मजबूत करने के लिए काम आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हिसाब देते कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस पर बार बार आवाज़ उठाती रही है। और अब आपको ये जो आज जो ताज़ी खबर आई है उसके मुताबिक ये साफ कह दिया गया है कि पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। यानी जो पहले से राहत आपदा कोष जो बना हुआ था, वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके इसमें सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया, पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो वो कहीं भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में आई दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि हमेशा स्वैच्छिक रूप से एनडीआरएफ में दान किया जा सकता है और इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई अस्थाई रोक नहीं है। इस बेंच के में न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह भी शामिल थे। टॉप कोर्ट ने यह फैसला गैर सरकारी संगठन एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर कोष में जमा राशि एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। यानी जिसमें यह अनुरोध किया गया था अदालत से कि ये जो पैसा पीएम केयर फंड में जो आए हैं करोड़ों रुपये, अरबों रुपये, वो एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ होता दिख रहा है कि जिस तरह से जनता ने आपत्ति जताई थी या जिस तरह से शुरुआती दौर में ही जनता ने ये कहा था कि ये पैसा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कुछ पता नहीं, इस पैसे से फिर एमएलए एमपी खरीदे जाएंगे, इस पैसे से चुनाव लड़ा जाएगा, यह इस पैसे से आरएसएस और संघ को मजबूत किया जाएगा। क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि यह पैसा कहां खर्च किया जाएगा, इसका कोई हिसाब या इसका कोई ब्यौरा किसी को नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में जो चाहे करें, सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला देगा जो पीएम चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला देगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। शायद यही वजह है कि इस बार भी जो लोग देश की चिंता कर रहे थे, जो लोग ये चाह रहे थे कि जो पैसे प्रधानमंत्री केयर फंड में आए हैं वो सही जगह खर्च हों, इसलिए उन पैसों का हिसाब किताब हो, उन पैसों का लेखा जोखा हो, उन पैसे को ट्रांसफ़र सही जगह पे किया जाए,
मगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर ये कह दिया है कि भाई पीएम मोदी साहब, आप इस पैसे का जो चाहें करें, जहां चाहें खर्च करें, जिस एमएलए एमपी को चाहें खरीदें, जहां चाहें चुनाव लड़ें या फिर आरएसएस का को मजबूत करें। आपकी आवाज़।